प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही यूक्रेन के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं। वो शुक्रवार यानी 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बारे में जानकारी दी और लिखा कि मैं राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के आमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा करूंगा। ये यात्रा पुरानी चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत यूक्रेन मित्रता को गहरा करने का अवसर होगी। हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। हम इस क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता स्थापित होने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि यूक्रेन से भारत के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 से ज्यादा साल हो चुके हैं। इतने सालों में पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। यूक्रेन की तरफ से पीएम मोदी को भेजे गए आमंत्रण की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम मोदी के दौरे के बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक 23 अगस्त को यूक्रेन के नेशनल फ्लैग डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन आएंगे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खास तौर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से इटली और जर्मनी में G7 सम्मेलन के इतर मुलाकात कर चुके हैं। अब पीएम मोदी के यूक्रेन जाने की योजना पर कई लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चैलानी ने एक्स पर लिखा है कि इस समय मोदी की यूक्रेन यात्रा बहुत बुरी साबित हो सकती है। यूक्रेन की घुसपैठ के बाद रूस उस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की यहां युद्ध विराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले पीएम मोदी ने जुलाई महीने में रूस का दौरा किया था। तब राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें इससे भारी निराशा हुई है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को कई हलकों में पश्चिमी देशों का दबाव भी बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने एक निजी समाचार चैनल में कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की यात्रा की थी तभी से ये लग रहा था कि वो जल्द ही यूक्रेन का दौरा भी करेंगे। उनकी रूस यात्रा के बाद खासकर अमेरिका से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। पीएम की यूक्रेन यात्रा पर इस बात का असर हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये भारत की स्वतंत्र सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। हालांकि भारत और चीन जैसे देशों का रूस से व्यापार लगातार जारी है। भारत ने रूस को सीधे तौर पर इस युद्ध के लिए कसूरवार ठहराने से परहेज किया है। 8 और 9 जुलाई को जब नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर थे उस वक्त रूसी मिसाइलों के हमले से यूक्रेन में दर्जनों लोग मारे गए थे। उसी समय वॉशिंगटन में नेटो का विशेष शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू सहित कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने मोदी की रूस यात्रा को समय और संदेश के लिहाज से निराशाजनक बताया था। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने जैक सुलिवन से बातचीत की थी। वैसे अगर भारत और यूक्रेन के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के बीच काफी पुराने संबंध हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते रहे हैं। इसके अलावा भारत और यूक्रेन के बीच आपसी व्यापार भी होता रहा है। भारत यूक्रेन से कई चीजें खरीदता रहा है। इस बीच मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले उन गिने चुने नेताओं में से एक होंगे जिन्होंने साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन और रूस दोनों का दौरा किया है। इनमें हंगरी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के नेता शामिल हैं।